कोरोना काल एक चुनौती भरा समय है, लेकिन क्या हो जब चुनौतियां कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जाएं। कोरोना से बच पाना जहां मुश्किल लग रहा है, तो वहीं बेरोजगारी भी चरम पर जा रही है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट में। कोरोना काल ने हमारी जिंदगी पर कितना असर डाला ये सब जानते हैं। कोई बीमार रहा तो कोई लाचार रहा, कोई बेबस तो कोई बेरोजगार रहा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये कि कोरोना महामारी के समय में कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास ना तो कोई ब्रह्मास्त्र था और ना ही कोई विकल्प, और सहारा लेना पड़ा लॉकडाउन का तो कहीं कर्फ्यू का। सब ठप था, सब बंद था, कुछ था तो बस लगातार बेरोजगार होते लोग। और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट से चेताया है कि इस महामारी से हुई तबाही की वजह से गरीबों के लिए अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका परिणाम ये होगा, 2022 में वैश्विक स्तर पर 20.5 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है, जबकि 2019 में 18.7 करोड़ लोग बेरोजगार थे। इस तरह बेरोजगारी की दर 5.7% है। कोविड-19 संकट अवधि को छोड़कर ये दर इससे पहले सिर्फ 2013 में थी। इस साल की पहली 6 माही में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र, यूरोप और मध्य एशिया है। वहीं बात अगर भारत की करें तो कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण देश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जबकि पिछले साल महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 97% परिवार की आय घटी है। शोध संस्थान के आकलन के अनुसार बेरोजगारी दर मई में 12% रही, जो अप्रैल में 8% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महेश व्यास ने जानकारी दी। कोरोना के समय में जहां हम कोरोना से बचने की जद्दोजहद में जुटे हैं, वहीं कोरोना के कारण कई और परेशानियों ने हमें घेर लिया है। बेरोजगारी जिनमें सबसे गंभीर समस्या है। लोग कोरोना से बच भी जाएं, लेकिन अगर कुछ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? और ऐसे में इस वक्त जरूरत महसूस हो रही है बड़े नीतिगत फैसलों की, ताकि भविष्य में इन चुनौतियों से लड़ा जाए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।